जी सलामकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। तो पहले तो काइंडली यार सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। आप कह सकते हैं कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत जल्द जो है वो इस चैनल पे एक अच्छा कंटेंट आने लग जाएगा। तो आई होप जो है वो आप मेरी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे दैट आई एम जस्ट चेकिंग द एल्गोरिथम ऑफ यूट्यूब, सो दैट इज़ व्हाई आई एम अपलोडिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टुडे वी गोना टॉक अबाउट ए आर रहमान। हु इज ए आर रहमान? ही इज़ बेसिकली द मोस्ट पॉपुलर सिंगर इन हॉलीवुड एंड ही इज अ म्यूजिक कंपोजर एज वेल। तो ए आर रहमान इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हिज नेम। बेसिकली इनका नाम क्या है? अल्लाह रखा रहमान, ए से अल्लाह, आर से रखा, रहमान मोन ए डॉट एस दिलीप कुमार। पहले मतलब ही वाज अ नॉन मुस्लिम, एनी हाउ जो है वो अल्लाह ताला ने इनको जो है सीधे रास्ते पे आप कह सकते हैं चलाया। और ही इज मुस्लिम नाम। इज एन इंडियन म्यूजिक कंपोजर, रिकॉर्डर, प्रोड्यूसर, सिंगर एंड हिट सॉन्ग राइटर। पॉपुलर फॉर हिज वर्क्स इन इंडियन सिनेमा, प्रीडोमिनेंटली इन तमिल एंड हिंदी फिल्म्स, विद ओकेजनल फॉरेज इन इंटरनेशनल सिनेमा एज वेल एज एन अरेंजमेंट ऑन द 20th सेंचुरी स्टूडियोज फैनफेयर फॉर स्टार्स स्टूडियोज। इज द विनर ऑफ 6 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 2 अकेडमी अवार्ड, 2 ग्रैमी अवार्ड्स, अ BAFTA अवार्ड, अ ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 15 फिल्मफेयर अवार्ड एंड 17 फिल्मफेयर अवार्ड साउथ। इन 2010 द इंडियन गवर्नमेंट कन्फर्ड हिम विद द पद्म भूषण, द नेशन्स थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। रहमान इनिशियली कंपोज स्कोर्स फॉर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज एंड जिंगल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड इंडियन टेलीविजन चैनल्स विद हिज इन हाउस स्टूडियो पंचतन रिकॉर्ड इन। रहमान फिल्म स्कोरिंग कैरियर बिगेन ड्यूरिंग द अर्ली 1990s विद तमिल फिल्म रोजा। रोजा में आप कह सकते हैं इनका एक स्टार्टअप था फिल्म का। तो फॉलोइंग दैट ही वेंट टू स्कोर 7 सॉन्ग्स फॉर तमिल लैंग्वेज फिल्म इंक्लूडिंग रत्नम्स पॉलिटिकल जार्ज, मुंबई अर्बन कदना, थिरुडा थिरुडा एंड एस शंकर, टैबी फिल्म जेंटलमैन। तो इन मूवीज़ में आप कह लें कि इन्होंने 1990 से अपना काम स्टार्ट कर लिया था। तो 1990s के बाद इन्होंने जो है वो इन मूवीज के अंदर अपने सॉन्ग्स गाए जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए उन वक्तों में। ओके, रहमान का फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म द कॉमेडी कपल्स रिट्रीट 2009 में। मतलब ही ऑल्सो वर्क ऑन इन हॉलीवुड मूवीज एज वेल, फॉर द BMI अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडीज म्यूजिक फॉर स्लम डॉग मिलियनेयर एंड अर्न हिम बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट द 81st अकेडमी अवार्ड्स। ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड बेस्ट कंपिलेशन साउंडट्रैक एल्बम एंड बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर व्यू मीडिया एट द 2010 ग्रैमी अवार्ड्स। ही इज द निकनेम्ड ईसाई मिशेल एंड मोजार्ट ऑफ मद्रास। तो ये कुछ इनके नाम हैं, ठीक है। मतलब निकनेम ईसाई पोयल म्यूजिक स्टॉन्ग म्यूजिकल स्टॉन्ग। मतलब कि इनकी आवाज़ में इतनी अच्छी इनकी आवाज़ है, इतनी ज़्यादा पॉपुलर आवाज़ है कि आप कह लें कि इट इज़ लाइक अ स्टॉर्म ऑफ म्यूजिक कमिंग टूवर्ड्स यू। तो दिस इज एंड मोजार्ट ऑफ मद्रास। तो इस तरह के इनके अलकाबात हैं, इनसे इन्हें बुलाया जाता है। कॉज ही इज़ मच पॉपुलर एंड मच गुड इन सिंगिंग। रहमान हैज़ बिकम अ ह्यूमैनिटेरियन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, डोनेटिंग एंड रेजिंग मनी फॉर अ नंबर ऑफ कॉजेज एंड चैरिटीज। इन 2006 ही वॉज ऑनर्ड बाय द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल म्यूजिक। इन 2008 ही रिसीव्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द ट्री क्लब ऑफ मद्रास। In 2009, he was included on Time list of the world's 100 most influential people. In 2013, he introduced 7.1 sound technology to some of Indian films. In 2014, he was awarded an honorary doctorate from Berklee College of Music.
He has also received honorary doctorate from Aligarh Muslim University. In 2017, he made his debut as a director and write for the film Landmask. तो इस फिल्म में इन्होंने लिखा भी था, कह सकते हैं जैसे कि वो बता रहे हैं. इन्हें डिफरेंट अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में से भी अवार्ड मिल चुका है. तो उनकी अर्ली लाइफ थोड़ी सी देखें. अल्लाह रखा है नाम फोन एस एस दिलीप कुमार मद्रास तमिलनाडु 6 जनवरी 1967. फादर आर के शेखर फर्मा मोटिलियर फैमिली फादर फिल्म कवर कंपोजर एंड करेक्टर फॉर तमिलनाडु मलेशियन फिल्म. रहमान बिगिन स्टडिंग पियानो एट एज 4. He assisted his father in the studio playing the keyboard. After his father's death, when Rahman was 9 years old, the rental of his father's musical equipment provided his family's income raised by his mother Karima Borg Kostum. Rahman, who are studying in pharmacy, had to work to support his family, which led him to routinely miss classes and fail exams. In an interview in 2012, Rahman said his mother was summoned and was told to take him to the streets of Kodambakkam to beg and not to send him to school anymore. मतलब उनकी फादर की डेथ के बाद उनके ऊपर इतना बुरा असर, इतना बुरा टाइम आ गया था. डेट हर मदर His mother said कि इसको जो है वो अब मांगना चाहिए, मतलब ए आर रहमान को उनकी वालदा ने कहा बट यू शुड बैक नाउ और स्कूल नहीं जाना चाहिए. रहमान अटेंडेड स्कूल ऑफ कॉल्ड एम सी एफ फॉर आई एंड लेटर जॉइन द मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज आई एयर सेकेंडरी स्कूल एंड विच ही हैज एडमिटेड ऑन हिज म्यूजिक चैनल एंड फॉर्म अ बैंड विच इज आई हाई स्कूल क्लास में. Rahman was a keyboard player and arranger for brands such as Raja, the founder of the Chennai-based rock group The Nemesis, Avenged by Nashadam. After discussing with mother, he left to go to school to pursue a career of full-time musician. तो मतलब इन्होंने पढ़ा भी but anyhow he dropped out himself from school and all. आगे गया जोजो and founded the Chennai-based rock group name is Avenue. उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, तो अपना बैंड बना लिया. He mastered the keyboard, piano, synthesizer, harmonium and guitar and was particularly interested in the synthesizer because it was an ideal combination of music and technology. So he was what is synthesizer? Okay, so this is synthesizer. So इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए थे हारमोनियम और इस तरह की इक्विपमेंट्स में जो कि यूज़फुल होती हैं फॉर सिंगिंग पर्पसेस, फॉर यू नो सॉन्ग्स पर्पसेस. रहमान बिगेन हिज अर्ली म्यूजिकल ट्रेनिंग फ्रॉम मास्टर धर्मराज और गेटअप एंड एज 11 बिगेन प्लेइंग इन द ऑर्केस्ट्रा ऑफ वेल इंडियन कंपोजर and close friend of his father M.K. Arjun. He soon began working with other composers such as M.S. Vishwanathan, Vijay Bhaskar. तो मतलब इनके साथ भी इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था. आफ्टर तो स्टडिंग इन मद्रास रहमान ग्रेजुएट विद अ डिप्लोमा इन वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम द स्कूल. रहमान वॉज इंट्रोड्यूस टू कादरी तरीका व्हेन हिज यंगर सिस्टर was seriously ill in 1984. His mother was practicing Hindu. At the age of 23, he converted to Islam with
at the member of his family in 1989, changing his name to Abdaraka Tamhan. 30 साल की उम्र में ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू अ मुस्लिम. क्यों ये मुस्लिम हुए, बट इसको अल्लाह ने हिदायत दी है, वो तो मिल ही जाना. बाकी यार डू सब्सक्राइब माई चैनल, आई एम टेलिंग यू दैट दिस चैनल इज जस्ट फॉर द फन पर्पसेस. आई विल शॉर्टली गिव यू ऑल ऑफ यू एक्सीलेंट डी, आप कह लो कि मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रो. You can just imagine that how much, you know, what we will say कि हमारे पास इतना अच्छा content है that I want to upload on this YouTube channel, but I need your support. I hope you all will provide. Inshallah, Allah Hafiz. Subscribe now.